नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। नागपुर से मुंबई के बीच चलाई जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस को आगामी 1 अप्रैल से अगले 6 माह तक प्रायोगिक तत्व पर बडनेरा रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज दिए जाने का फैसला भारतीय रेल मंत्रालय व रेलवे बोर्ड द्वारा लिया गया है। ऐसे में मुंबई नागपुर मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस आगामी 1 अप्रैल से बडनेरा रेलवे स्टेशन पर रुका करेगी, जिसकी वजह से अमरावती शहर व जिले सहित पश्चिम विदर्भ क्षेत्र के यात्रियों को भी दुरंतो एक्सप्रेस से यात्रा करने का मौका मिलेगा। दुरंतो एक्सप्रेस को बडनेरा स्टेशन पर स्टॉपेज दिए जाने की मांग जिले के दोनों सांसद नवनीत राणा व अनिल बोंडे सहित महानगर यात्री संघ द्वारा विगत लंबे समय से उठाई जा रही थी और इसे लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे थे, जिसके चलते रेल मंत्रालय व रेलवे बोर्ड ने 6 माह के लिए प्रायोगिक तौर पर दुरंतो को बडनेरा में स्टॉपेज देने का निर्णय लिया है। इन 6 माह के दौरान होने वाली टिकट बिक्री पर नजर रखी जाएगी और 5 माह के रेवेन्यू कलेक्शन के आधार पर इस रेलगाड़ी के स्टॉपेज को आगे जारी रखने अथवा नहीं रखने के फैसले की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही भारतीय रेल मंत्रालय ने नांदेड़ निजामुद्दीन नांदेड़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को भुसावल में तथा भुसावल पुणे भुसावल एक्सप्रेस को मासवड में 6 माह तक प्रायोगिक तत्व पर स्टॉपेज देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नागपुर पुणे नागपुर एक्सप्रेस को अब शेगांव में स्टॉपेज दिया जाएगा, वहीं महाराष्ट्र एक्सप्रेस को शेगांव के साथ ही जलंब में भी स्टॉपेज दिया जाएगा। ऐसे में आगामी 28 मार्च से अप व डाउन लाइन की चारों एक्सप्रेस ट्रेन शेगांव व जलंब में रुका करेंगी, जिससे गजानन भक्तों को काफी सुविधा प्राप्त होगी। विगत 24 घंटे के दौरान अमरावती मनपा क्षेत्र अंतर्गत कोविड के 7 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमरावती महानगर क्षेत्र में एक बार फिर कोविड की संक्रामक महामारी का खतरा तेजी से पांव पसार रहा है। इसके साथ ही अब जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 38 हो गई है, जिसमें से 36 एक्टिव पॉजिटिव मरीज अमरावती मनपा क्षेत्र से वास्ता रखते हैं। वहीं जिले के ग्रामीण इलाकों में इस समय केवल 2 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं। इन सभी मरीजों को फिलहाल सौम्य लक्षण रहने के चलते होम आइसोलेशन में रखा गया है। विगत 27 फरवरी से अब तक शहर सहित जिले में कोविड पॉजिटिव पाए गए अलग अलग मरीजों में से 47 मरीजों के सैंपल जांच हेतु पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु परीक्षण प्रयोगशाला में भिजवाए गए थे, जहां से मिली रिपोर्ट के मुताबिक एक सैंपल में XBD.1 नामक नया वेरिएंट पाए जाने की जानकारी मिली है। इसके अलावा अन्य 2 नए वेरिएंट मिलने की भी जानकारी है, जिसकी आवश्यक पड़ताल चल रही है। इससे पहले यही वेरिएंट अमेरिका व यूरोप में भी मिले थे। वहीं सरकारी कोविड टेस्ट लैब के नोडल अधिकारी प्रशांत ठाकरे के मुताबिक इन नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति ने सावधानी व सतर्कता बरतनी चाहिए। जिले में कोविड व इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मरीजों की संख्या के बीच यह जानकारी सामने आई है कि 31 मार्च तक विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को दिए गए कोविड के प्रतिबंधात्मक टीकों की एक्सपायरी डेट गुजरने वाली है। जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से यदि उचित नियोजन हुआ रहता तो इन टीकों का अच्छी तरह से इस्तेमाल हो सकता था, ऐसी चर्चा होने लगी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद महाराष्ट्र सहित पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सब कुछ नियम के तहत हुआ है, लेकिन हैरत की बात यह है कि एकनाथ शिंदे के खासम खास और शिंदे फडणवीस सरकार में सहयोगी रहने वाले प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख व विधायक बच्चू कड़ू ने भाजपा के विरोध वाला बयान दिया है। बच्चू कड़ू के मुताबिक राहुल गांधी पर की गई कार्रवाई गलत है और यह जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। ऐसी जल्दबाजी जनता के हित में काम करने के लिए भी कभी दिखानी चाहिए और सरकार को आम जनता तक अपनी पहुंच बनानी चाहिए। राहुल गांधी की तरह विधायक बच्चू कड़ू की विधायकी रद्द किए जाने को लेकर कई स्थानों पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, क्योंकि एक आंदोलन के मामले में बच्चू कड़ू को भी 2 साल की सजा सुनाई गई है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक बच्चू कड़ू ने कहा कि जिन लोगों ने उनकी विधायकी छीनने के बारे में पोस्टर लगाए हैं वे काफी अति उत्साह में नजर आ रहे हैं और शायद वे लोग यह भूल गए हैं कि वह आंदोलन उन्होंने खुद के लिए नहीं किया था बल्कि अपंग लोगों की भलाई के लिए किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ओबीसी समाज का अपमान किए जाने का आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आनंद फानंद में राज्य और देश स्तर पर आंदोलन की घोषणा तो की गई, लेकिन इस आंदोलन के लिए तैयारी करने पर पार्टी ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज दोपहर राजकमल चौक पर आयोजित शहर व जिला भाजपा के आंदोलन में कुल जमा 100 कार्यकर्ता भी इकट्ठा नहीं हो पाए। हालांकि इस समय पदाधिकारियों ने काफी नारेबाजी की और महिला कार्यकर्ताओं को आगे किया गया, लेकिन फिर भी भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूर्व सांसद राहुल गांधी का पुतला नहीं फूंक सके और पुलिस कमांडो ने उस पुतले को जलाने से पहले ही उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसी बीच भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव योगेश वानखड़े द्वारा कहा गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी समाज को चोर संबोधित करते हुए ओबीसी समाज का अपमान किया है और अब तक अपने बयान के लिए ओबीसी समाज से माफी भी नहीं मांगी है, अतः वो जब तक ओबीसी समाज से माफी नहीं मांगते तब तक उनके खिलाफ ओबीसी समाज द्वारा आंदोलन जारी रखा जाएगा।
उधर बीती शाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने की खबर मिलते ही अमरावती शहर से जिले में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करना शुरू किया। इसके तहत शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राजकमल चौक पर इकट्ठा होकर मोदी सरकार व भाजपा का तीव्र निषेध किया और जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। साथ ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता को खारिज किए जाने को देश में अघोषित तानाशाही बताया। पूर्व पालक मंत्री सुनील देशमुख, कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर विलास इंगोले व मिलिंद चिमोटे के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। लोकशाही आता शेवटची घटका मोजत आहे। ज्या न्यायपालिकेकडनं देशाला अपेक्षा होत्या ती न्यायपालिका सुद्धा आता मोदींची बटीक झालेली आहे असं या निर्णयावरून दिसतं। म्हणजे या ही केस चालू होण्याच्या पहिले एक महिना ती केस गुजरातमध्ये चालवावी, एक महिना पहिले न्यायाधीश बदलावा आणि ज्या कलमाखाले सर्वात जास्त सजा आहे, सर्वात मोठी सजा आहे, ती एखाद्या छोट्या कारणासाठी राहुलजींना द्यावी आणि त्यांचं राजकीय अस्तित्व संपवून टाकण्याचा घिनोना खेळ मोदी आणि अमित शहा यांनी जो चालवलेला आहे त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही इथे उभे। इसके साथ ही अमरावती तहसील कांग्रेस कमेटी ने गतरोज पोटे टाउनशिप के पास मोदी सरकार व भाजपा के खिलाफ तीव्र प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। उधर धामनगांव रेलवे तहसील कांग्रेस कमेटी द्वारा धामनगांव रेलवे में राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त किए जाने का निषेध करते हुए तीव्र प्रदर्शन किया गया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके अलावा मुर्शी तहसील व कांग्रेस कमेटी द्वारा मुर्शी के जयस्तंभ चौक पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी की गई। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता को खत्म किए जाने के फैसले को विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास बताया गया। अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने आज बजट सत्र के अंतिम दिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाकर अमृत अभियान अंतर्गत अमरावती महानगरपालिका की 880 करोड़ 68 लाख रुपए की जलापूर्ति योजना को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मान्यता प्राप्त की। मंत्री उदय सामंत ने सदन को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार से इस योजना को मंजूरी दिलाने की सिफारिश की जाएगी। इसके साथ ही राज्य विधानमंडल के बजट सत्र के अंतिम दिन विधायक रवि राणा द्वारा पेढ़ी नदी से सटकर स्थित 80 घरों के पुनर्वसन का मामला उठाया गया था जिसे विधानसभा में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। अमरावती जिले की 12 फसल मंडियों के चुनाव 28, 29 और 30 अप्रैल को होने जा रहे हैं। जिले की सबसे बड़ी अमरावती फसल मंडी के 17 संचालकों का चुनाव आगामी 28 अप्रैल को होगा और उसके नतीजे 29 अप्रैल को वोटों की गणना करने के पश्चात घोषित किए जाएंगे। बडनेरा रोड स्थित धन्वंतरी सहकारी अस्पताल में गुड़ी पाड़वा के विविध अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का समारोह पूर्वक शुभारंभ किया गया। इस समय शहर के ख्यातनाम उद्योजक नरेंद्र भारानी के हाथों सेंट्रल एनेस्थेशिया वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया। वहीं रघुवीर के संचालक चंद्रकांत पोपट के हाथों नेत्र विभाग में रेटिना सुविधा का उद्घाटन किया गया। साथ ही नरेंद्र भारानी और चंद्रकांत पोपट के हाथों हायर मैग्निफिकेशन की सुविधा रहने वाली एक्सरे मशीन का भी शुभारंभ किया गया। आगामी 27 मार्च को अमरावती जलापूर्ति योजना अंतर्गत सिंभोरा में सौर ऊर्जा प्रकल्प के कनेक्शन का काम किया जाएगा जिसके लिए 27 मार्च को दोपहर बाद अमरावती और बडनेरा शहर में होने वाली जलापूर्ति को बंद रखा जाएगा। ऐसी जानकारी जीवन प्राधिकरण के जल व्यवस्थापन विभाग द्वारा दी गई है। आगामी 30 मार्च को श्रीराम नवमी पर्व वाले दिन मनपा क्षेत्र में सभी कसाई खानों व मांस बिक्री केंद्रों को बंद रखने का आदेश मनपा प्रशासन द्वारा जारी किया गया है जिसके चलते 30 मार्च को अमरावती मनपा क्षेत्र में पशु हत्या करने व मांस बिक्री करने पर प्रतिबंध रहेगा। आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास इंगोले व मिलिंद चिमोटे ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी युवा कांग्रेस द्वारा हनुमान जयंती का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर 5 अप्रैल को दोपहर 3 बजे बुधवारा के आजाद हिंद मंडल परिसर स्थित पुरातन हनुमान मंदिर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के हाथों आरती करने के बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आगामी 30 मार्च को रामनवमी उत्सव की जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। राजकमल चौक के सीताराम दास बाबा मार्केट में इस हेतु का जनसंपर्क कार्यालय स्थापित किया गया है। इस बार निकाली जाने वाली शोभा यात्रा में भगवान जगन्नाथ का रथ मुख्य आकर्षण रहने की जानकारी दी गई है। साथ ही इस शोभा यात्रा में करीब एक दर्जन नैनाभिराम झांकियां भी शामिल रहेंगी।
श्री बीकानेरी माहेश्वरी सामाजिक मंडल व बीकानेरी महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी गणगौर महोत्सव का 2 दिवसीय आयोजन भाजी बाजार स्थित बीकानेरी भवन में प्रारंभ हुआ, जिसमें एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस समय राजस्थानी समाज में गणगौर उत्सव की अच्छी खासी धूम चल रही है, जिसमें राजस्थानी समाज की महिलाओं व युवतियों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। ऐसे में राजस्थानी समाज के घर परिवारों में अपने घर की बड़ी महिलाओं व युवतियों को गणगौर उत्सव के लिए तैयार होते देख घर की छोटी बच्चियों में भी इस उत्साह को लेकर अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। ऐसे ही राजस्थान हितकारक मंडल के सचिव रामेश्वर गगड़ की नन्ही पोती कनिका आकाश गगड़ में भी गणगौर उत्सव को लेकर अच्छा खासा उत्साह देखा गया। कनिका गगड़ ने इस उत्सव के लिए बड़े चाव के साथ तैयार होने के साथ ही घूमर नृत्य पर नैना भिराम नृत्य पेश किया। इससे संबंधित वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया साइट विशेषकर यूट्यूब पर अच्छा खासा वायरल हो रहा है। फलों का राजा कहे जाते आम का सीजन शुरू हो गया है और विभिन्न किस्म के आम अमरावती के मार्केट में उपलब्ध हुए हैं। हालांकि इस समय आम के दाम काफी ऊंचे हैं, लेकिन फिर भी हापुस से लेकर लाल पट्टा व बैगन फली जैसे आमों की प्रजातियों की अच्छी खासी आवक व बिक्री हो रही है। तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा ली जा रही MBA एंट्रेंस एग्जाम में सर्वर डाउन होने के कारण आज सुबह दर्जनों विद्यार्थी परेशान नजर आए। 1 घंटे तक लिंक की खराबी रहने के बावजूद विद्यार्थियों को केवल 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया, जिसके फलस्वरूप कई विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। कुछ परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों द्वारा हंगामा मचाए जाने की भी खबर है। धारणी में वन्यजीव विभाग ने 1 माह पूर्व एक तेंदुए को पकड़ा था, वहीं अब एक बार फिर एक शेर ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है, जिसने धारणी से 55 किलोमीटर दूर गोलाई गांव में बीते 2 दिनों में 2 बछड़े, 1 गाय व 1 बैल ऐसे 4 मवेशियों का शिकार किया, जिसकी वजह से आदिवासियों की जान को भी खतरा पैदा हुआ है। समूचे देश में सनसनी मचा देने वाले उमेश कोल्ले हत्याकांड में मुख्य आरोपी के तौर पर नामजद व गिरफ्तार यूसुफ खान ने खुद को जमानत मिलने हेतु अपने वकील के मार्फत मुंबई की विशेष PMLA अदालत में याचिका दायर की है, जिस पर आगामी 3 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है, ऐसी जानकारी यूसुफ खान के वकील की ओर से दी गई है। जलगांव जिले के अमलनेर शहर स्थित एक फैशन व मेंस शोरूम में 500 रुपए की नकली नोट चलाने के मामले में अमलनेर पुलिस ने 2 लोगों को अपनी हिरासत में लिया है, जिनमें अमरावती जिले के धारणी निवासी वसंत मुलकासा सहित गुजरात निवासी कैलाश भोया नामक 2 युवकों का समावेश है, जिनके पास से पुलिस ने नकली नोट, मोबाइल व दुपहिया सहित 1,08,000 का माल बरामद किया है। पुलिस को इन दोनों आरोपियों के पास से 500 रुपए के कई नकली नोट बरामद हुए हैं, ऐसी जानकारी है। अपराध शाखा पुलिस ने आज कोर्ट परिसर से छोटा रिचार्ज के रूप में कुख्यात सैयद शफी नामक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे कई गंभीर आपराधिक मामलों में लिप्त रहने के चलते अमरावती शहर से तड़ीपार किया गया था, लेकिन इसके बावजूद तड़ीपारी आदेश का उल्लंघन करते हुए सैयद फैजान अमरावती शहर में घूम रहा था और उसने कोतवाली परिसर में छीना झपटी करते हुए लूटपाट की थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद उसकी तलाश की जा रही थी। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 19 वर्षीय महाविद्यालयीन छात्रा को आत्महत्या करने की धमकी देकर डराने धमकाने और उसे अपनी पत्नी बताते हुए उसके फोटो को सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर वायरल करने का मामला सामने आने के बाद गाड़गेनगर पुलिस ने महेंद्र कॉलोनी परिसर में रहने वाले प्रतीक खंडारे नामक युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। विगत दिनों नागपुर में नवजात बच्चों की बिक्री करने का एक मामला सामने आया था, जिसके बाद पता चला कि इस अंतर्राज्यीय रैकेट में शामिल आरोपियों ने यवतमाल में रहने वाली एक महिला की महज 10 दिन की आयु वाली एक और बच्ची को रायपुर में रहने वाले दंपति को महज 2.5 लाख रुपए में बेच दिया था। ऐसे में बच्चा चोरी के एक मामले को लेकर पहले से हिरासत में रहने वाले आरोपियों के खिलाफ नागपुर पुलिस ने अब एक और मामला दर्ज किया है। कुंडेश्वर टी पॉइंट के पास एक्सप्रेस हाईवे के निकट हुए मोटरसाइकिल के हादसे में विकास ढाकुलकर नामक युवक की मौत हो गई। यह हादसा शुक्रवार की शाम 6:30 बजे घटित हुआ। वलगांव के कसाबपुरा परिसर से गौवंश को कत्ल के लिए ले जाया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिलते ही वलगांव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गौवंश से लदा ट्रक पकड़ा और ट्रक में ठूंसे गए 8 गौवंश को आजाद कराते हुए जीवनदान दिया। वलगांव पुलिस ने ट्रक चालक शेख तौफीक शेख जमीर के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है। आष्टी से मोर्शी रोड पर 2 मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गई। इस हादसे में दोनों मोटरसाइकिल सवार युवकों को काफी गंभीर चोटें लगी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा मोर्शी रोड पर दोपहर 4 बजे ITI महाविद्यालय के सामने घटित हुआ। बुलढाणा में समृद्धि महामार्ग के फरदापुर के पास इंटरचेंज के निकट रेती के अवैध तरीके से तस्करी करने वाले तेज गति से जा रहे टिप्पर ने बस को टक्कर मारी। इस हादसे में 24 यात्री घायल हो गए।
वाशिम शहर के बिलाल नगर में पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए पत्नी और सास को शराबी दामाद ने लोहे के फावड़े से बेदम पीटा। इस हमले में सास की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी अब्दुल हाफिज अब्दुल सलाम के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। बुलढाणा जिले की लोनार तहसील के भूमराला दरी में दो लोगों के बीच हो रहे विवाद को छुड़ाने के लिए गए व्यक्ति की लात घूंसों से बेदम पिटाई करते हुए उसकी हत्या कर दी गई। इस मारपीट में भानुदास चौहान नामक 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। बुलढाणा में डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाली छात्रा ने टैब के कवर के लिए ऑनलाइन ऑर्डर दिया था और ऑर्डर कहां तक पहुंचा यह देखने के लिए वेबसाइट के मोबाइल क्रमांक पर फोन कर पूछा तो साइबर अपराधी ने लिंक भेजकर व्यक्तिगत जानकारी मांगी और 5 रुपए भेजने के लिए कहा। यह प्रक्रिया पूर्ण कर 5 रुपए भेजने वाली छात्रा के खाते से ऑनलाइन 99,000 रुपए गायब हो गए। साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हकोट तहसील के कुछ क्षेत्रों में पीली बत्ती की कार लेकर घूमने वाले और कार्रवाई का डर बताने वाले नकली नारकोटिक्स अधिकारी सहित दो लोगों को दहीहांडा पुलिस ने देर रात के समय गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने उसकी पीली बत्ती वाली कार भी बरामद की। पुलिस ने आरोपियों के पास से कई नकली दस्तावेज, रबर स्टैंप, विजिटिंग कार्ड जैसे दस्तावेज भी जब्त किए हैं। पता चला है कि चौहट्टा बाजार निवासी नदीम शाह महबूब शाह नकली नारकोटिक्स अधिकारी बनकर घूमता था, वहीं उसके कुछ रिश्तेदार उसके साथ सहयोग करते थे। वर्धा के रामनगर परिसर स्थित संत तुकाराम वार्ड लेप्रेसी फाउंडेशन की ओर जाने वाले रास्ते पर एक उपहार गृह के फ्रिज का कंप्रेसर फट गया, जिसके बाद सिलेंडर में भी विस्फोट हुआ। इस हादसे की वजह से पूरे परिसर में अच्छी खासी भगदड़ मच गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।